भाई ईवी रेवोल्यूशन ने डेली कम्यूट के स्टाइल और नीड्स को एकदम चेंज कर दिया है। अब स्पेशली टू व्हीलर्स में पेट्रोल की जगह बैटरी ने ले ली है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हाई प्राइस की वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अवॉइड कर रहे हैं और आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आज हम इंडियन मार्केट में अवेलेबल 10 सबसे सस्ते और एकदम टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कवर करने वाले हैं। रेंज, फीचर्स और प्राइस डिटेल्स के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर आज की ये बजट राइड जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ओला S1 Air, जो ओला का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन अभी इसकी डिलीवरी स्टार्ट होना बाकी है, जो जुलाई मंथ तक स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसमें 4.5 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर आएगी, जो 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करेगी। 2 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें मिलेगी, जो 85 किलोमीटर तक की IDC रेंज ऑफर करेगी, और एक बार फुल चार्ज होने में यह बैटरी 4 से 5 घंटे का समय लेगी। इस ठीक ठाक बैटरी के साथ 34 लीटर का बूट स्पेस भी इसमें मिल जाएगा। इसके फीचर्स और डिजाइन ओला के बाकी स्कूटर से सिमिलर ही मिलेंगे, जैसे कि 7 इंच TFT टच स्क्रीन, हिल होल्ड फंक्शनैलिटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, साइड स्टैंड अलर्ट, म्यूजिक प्लेबैक और रिमोट बूट लॉक अनलॉक जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। इसकी स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 85,000 रुपीज रखी गई है। तो अगर आप इस पॉपुलर और ट्रस्टेड कंपनी का ये स्कूटर लेना चाहते हैं तो आप इसको अभी बुक करवा सकते हैं। नंबर 9 पर है एम्पियर मैग्नस EX, जो एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और जब प्राइस की बात आती है तो ये एक पेट्रोल स्कूटर से भी सस्ता पड़ जाता है। अब ये स्कूटर कंपनी को तो अच्छी सेल देता है, लेकिन हम कस्टमर्स को इसमें क्या मिलता है आइए जानते हैं। दोस्तों, एक हब माउंटेड मोटर इसमें आती है, जो 2.1 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है और 50 किलोमीटर पर आवर की डिसेंट टॉप स्पीड इसको देती है। बात करें इसकी बैटरी की, तो 2.3 किलोवाट आवर की एडवांस लिथियम आयन रिमूवेबल बैटरी इसमें आती है, जिस पर कंपनी 80 से 100 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करती है, और एक बार फुल चार्ज होने में ये बैटरी 6 से 7 घंटे का समय लेती है। इसमें हेलोजन लाइट्स, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कीलेस एक्सेस, इंटीग्रेटेड USB पोर्ट्स, 3 राइडिंग मोड जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आप ओला के सस्ते स्कूटर का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप 84,000 रुपीज की एक्स शोरूम प्राइस में एम्पियर मैग्नस X को चूज कर सकते हैं। नंबर 8 पर है रिज प्लस, जो सेल्स के मामले में किस टाइम पर टॉप पर रही कंपनी ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोस्तों, वैसे तो काफी सस्ते सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्कूटर बिल्कुल भी वर्थ नहीं है उनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप ये ना सोचे कि 80,000 रुपीज से ऊपर प्राइस में आने वाले स्कूटर ये चीपेस्ट कैसे हुए। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और रिज प्लस की स्पेसिफिकेशन जानते हैं। तो BLDC हब माउंटेड मोटर इसमें आती है, जो 1.6 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है और 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करती है। 1.7 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी इसमें आती है, जो 81 किलोमीटर की रेंज इसको देती है, और चार्ज होने में इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बाकी फीचर्स में सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री, फाइंड माय स्कूटर फंक्शन, जियो फेंसिंग, इमोबिलाइजेशन, स्पीड अलर्ट एंड ड्राइवर स्कोर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी विदाउट GPS वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 84,000 रुपीज है। नंबर 7 पर है बीगोज A2। इस कंपनी के स्कूटर उतने पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन कम प्राइस में ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन ये ऑफर कर देते हैं। इनके इस स्कूटर की डिटेल्स पर अगर हम आए, तो 250 वॉट की IP67 रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आती है, जो 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करती है। अभी ये स्पीड तो बहुत कम है और ये इस स्कूटर का एक वीक पॉइंट भी है, लेकिन स्पीड की तरह इसकी प्राइस भी बहुत कम है, जिससे कई लोगों के लिए बेहतर स्कूटर हो सकता है। 1.29 किलोवाट आवर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी इसमें आती है, जो 75 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करती है, और चार्ज होने में ये 3 से 4 घंटे का समय लेती है। इसमें हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंटी थेफ्ट अलार्म, फाइंड योर स्कूटर, रिमोट लॉक अनलॉक, रिवर्स असिस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, 3 राइडिंग मोड जैसे बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। पिछले सभी स्कूटर से कम सिर्फ 76,000 रुपीज इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। नंबर 6 पर है एम्पियर ZLX, जिसमें अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, और ये कंपनी भी टॉप 10 सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में से एक है, जिससे ट्रस्ट इशू भी यहाँ नहीं बनता है। एम्पियर ZLX में BLDC हब माउंटेड मोटर आती है, जो 1.8 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है और 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ऑफर करती है। वहीं 2.2 किलोवाट आवर की एडवांस लिथियम आयन बैटरी इसमें आती है, जो 120 किलोमीटर तक की बढ़िया ARAI सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है, और एक बार फुल चार्ज होने में ये बैटरी 5 घंटे का समय लेती है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो हार्मोनिक ब्रेकिंग सिस्टम, एडवांस रीजनरेटिव कंट्रोलर विद EBS, ड्यूअल स्पीड मोड, लो बैटरी इंडिकेटर, डेलाइट LED जैसे फीचर्स भी इसमें ऑफर किए गए हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 75,000 रुपीज है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए ये एकदम जस्टिफाइड प्राइस है। नंबर 5 पर है प्योर वी ePluto, जिसका हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट ePluto 7GB आता है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अब बात करें प्योर वी ePluto की, तो उसमें 250 वॉट BLDC मोटर आती है, जो 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। और बात करें इसकी बैटरी की, तो 1.8 किलोवाट आवर की पोर्टेबल बैटरी इसमें आती है, जो 85 किलोमीटर तक की प्योर रेंज ऑफर करती है। इसकी बैटरी को चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। इसके फीचर्स को देखें, तो LED हेडलैम्प, टेल लैम्प, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंटी थेफ्ट प्रोविजन विद स्मार्ट लॉक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे बेसिक एंड यूजफुल फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो भाई, अगर आपको एक सस्ता सा लो स्पीड स्कूटर चाहिए, तो 75,000 रुपीज की एक्स शोरूम प्राइस में आप इसको खरीद सकते हैं।
नंबर चार पर है जिमोपाई राइडर, जो एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन कुछ स्मॉल डिस्टेंस के लिए यह बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि बैटरी और रेंज इसकी एकदम बेहतर रखी गई है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस पर अगर आए तो 250 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आती है, जो सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करती है। मोटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बैटरी, वो इसमें बढ़िया मिलती है। इसकी 1.92 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी 90 से 120 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करती है और इसका चार्जिंग टाइम भी बाकी स्कूटर से कम है, ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। फीचर्स में है कीलेस एंट्री, स्वैपेबल बैटरी, एंटी थेफ्ट अलार्म और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। दोस्तों इसकी एक्स शोरूम प्राइस 70,000 रुपीज है, तो स्मॉल डिस्टेंस और डेली कम्यूट के लिए इस प्राइस में ये स्कूटर अच्छी चॉइस है। नंबर तीन पर है आईवूमी S1, जिसके 3 वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है और हम बात करने वाले हैं इसके सबसे कम प्राइस वाले वेरिएंट S180 की, क्योंकि आज का ये वीडियो एकदम कम बजट वाले स्कूटर्स पर सेंटर्ड है। तो चलिए जानते हैं आईवूमी का ये बजट स्कूटर क्या क्या ऑफर करता है। 2.5 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर इसमें आती है, जो 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करती है। अब रही बात बैटरी की, तो 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें आती है, जो 80 किलोमीटर तक की IDC रेंज ऑफर करती है और एक फुल चार्ज होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लेती है। फीचर्स में यहाँ एंटी थेफ्ट अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट, पार्किंग असिस्ट, कीलेस ऑपरेशन, LED हेडलाइट जैसे बेसिक फीचर्स ही ऐड किए गए हैं। अब इसके स्टार्टिंग वेरिएंट की शोरूम प्राइस 70,000 रुपीज है। नंबर दो पर इंडिया में काफी पॉपुलर और बजट ई स्कूटर के मामले में एक सबसे बेहतर चॉइस है हीरो ऑप्टिमा CX। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दो ऑप्शन के साथ आता है, एक ड्यूअल बैटरी वेरिएंट और एक सिंगल बैटरी वेरिएंट। आज हम सिंगल बैटरी वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम प्राइस में आ जाता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो BLDC हब मोटर इसमें आती है, जो 1.2 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है और 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देती है। बैटरी पर अगर आए तो 1.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी इसमें आती है, जो 82 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करती है और चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लेती है। फीचर्स में यहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिमोट लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, पोर्टेबल बैटरी, LED हेडलैम्प, USB पोर्ट जैसे बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। दोस्तों सिंगल बैटरी वाले वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 67,000 रुपीज है। नंबर एक पर है इस लिस्ट का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा R30, जो देखने में भी ठीक ठाक और बढ़िया स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर देता है। तो अगर आप सस्ते में अच्छा स्कूटर लेना चाहते हैं तो इसको आप चूज कर सकते हैं। इसमें 250 वोल्ट की BLDC मोटर आती है, जो 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देती है और 1.25 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी इसमें आती है, जो 60 किलोमीटर तक की डिसेंट रेंज ऑफर करती है और इसको चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो एप्रन माउंटेड हेडलाइट, डिजिटल स्पीडोमीटर, बॉडी कलर फ्रंट फेंडर, लो बैटरी इंडिकेटर जैसे नॉर्मल फीचर्स इसमें आते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्सशोरूम प्राइस 62,000 रुपीज है। दोस्तों अगर फीचर्स और बेटर स्पेसिफिकेशन से भी ज्यादा आपके लिए सस्ती प्राइस मैटर करती है तो आई बटन में शो हो रहा वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने 27,000 रुपीज वाला स्कूटर भी बताया है। बस वहाँ क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। तो ये थे वो बजट स्कूटर्स जो मार्केट में काफी पहले से बने हुए हैं और एकदम वर्थ बाइंग है। बाकी आपको इनमें से कौन सा स्कूटर सबसे अच्छा लगा और आप पहले से कौन सा स्कूटर यूज कर रहे हैं, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। ऐसे ही एकदम वर्थ बाइंग ऑटो चॉइसेस के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की ये राइड वीडियो पर एक लाइक के साथ यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।